कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच विश्व में संक्रमण के केस बढ़कर 26 करोड़ 41 लाख हो गए हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 52.3 लाख लोगों की मौत हो गई है। महामारी से बचाव के लिए अब तक कुल 8.07 अरब लोगों का टीकाकरण किया गया। इस वक्त विश्व की चिंता बना ओमिक्रॉन वेरिएंट 29 देशों में पहुंच चुका है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले, मरने वालों की संख्या और टीकाकरण की कुल संख्या क्रमशः 26 करोड़ 41 लाख 31,554, 52 लाख 33,850, 807 करोड़ 73 लाख 11,814 है। सीएसएसी के अनुसार अमेरिका दुनिया में सबसे प्रभावशाली देश है। यहाँ पर मामले 4 करोड़ 88 लाख 32,302 है। वहीं मरने वालों की संख्या 7,85,907 है। दूसरे नंबर पर भारत सबसे प्रभावित देश है। यहाँ पर 3,46,06,541 संक्रमण के मामले हैं। वहीं 4,69,724 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद ब्राजील 2,21,18,782 संक्रमण के मामले यहां पर है। 6,15,169 मौतें यहां पर हो चुकी है। 50 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य सबसे प्रभावित देश में यूके 1,03,87,200, रूस 95,33,593, तुर्की 88,41,861, फ्रांस 78,37,490, ईरान 61,25,596, जर्मनी 7,26,903, अर्जेंटीना 53,35,310, स्पेन 51,89,220 और कोलंबिया 50,74,069 है। 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु वाले में राष्ट्रों में मेक्सिको 2,94,428, रूस 2,72,269, पेरू 2,01,176, यूके 1,35,728, इंडोनेशिया 1,43,850, इटली 1,34,003, ईरान 1,29,988, कोलंबिया 1,28,528, फ्रांस 1,20,311 और अर्जेंटीना 1,16,617 के साथ शामिल है।